आईपीएल 2022 का 40वां मैच गुजरात और हैदराबाद की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें जीत तो गुजरात की हुई, लेकिन मैन ऑफ द मैच मिला जम्मू एक्सप्रेस के नाम से मशहूर उमरान मलिक को। गुजरात के खिलाफ इस स्पीड स्टार ने आईपीएल में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट चटकाए, जिसके बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर उमरान नाम का तूफान आया। मैच दर मैच इस युवा गेंदबाज ने ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसके बाद क्रिकेट के बड़े बड़े नाम भी उमरान के कायल होते जा रहे हैं। एक शो में बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा, T20 विश्व कप में उमरान का चुनाव करना सेलेक्टर्स का काम है, लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं यकीनन उन्हें चुनता। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लंबा प्रोग्राम है, कभी किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको सॉलिड प्लेयर चाहिए होता है। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ ऐसी होनी चाहिए जिसे आप सीधे मौका दे सको। वैसे भी उमरान मलिक को अपने कद का फायदा मिलेगा। हम जब खेलते थे हम हमेशा चर्चा करते थे कि सामने शोएब अख्तर है, शेन बॉन्ड्स है या ब्रेटली, ये तेज गति से गेंद फेंकेंगे। अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि उमरान काफी तेज गेंद फेंकते हैं, इसका फायदा उमरान को मिल सकता है। उमरान की गेंदबाजी की गूंज राजनीति के गलियारों तक पहुंच गई है। उमरान के बारे में बात करते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस युवा खिलाड़ी की तारीफ की है और साथ ही उन्हें टीम इंडिया में लाने का सुझाव दिया है। पी चिदंबरम अपने ट्वीट में लिखते हैं, उमरान मलिक एक तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उड़ा देता है। उसकी तेज गति और आक्रामकता देखने लायक है। आज का प्रदर्शन देखने के बाद कोई शक नहीं है कि ये इस आईपीएल सीजन की सबसे बड़ी खोज है। बीसीसीआई को उन्हें खास कोच देना चाहिए और तुरंत उन्हें टीम इंडिया में लाना चाहिए। पूर्व दिग्गज भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने उमरान के बारे में बात करते हुए कहा, उनके लिए अगला पड़ाव मेरे हिसाब से टीम इंडिया का होगा। हो सकता है इसे प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, क्योंकि टीम इंडिया के पास मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव हैं, मगर वो टीम के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ इस दौरान वो ड्रेसिंग रूम में शेयर कर सकते हैं। जरा देखो उसके साथ क्या होने वाला है जब भारत एकमात्र टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा करेगा, तो उसे भी ले जाना चाहिए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने गावस्कर की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं, जब किसी खिलाड़ी के पास गति होती है तो वो गेंद इधर उधर फेंकता है, लेकिन वो हर समय सटीक गेंदबाजी कर रहा है। दिग्गज कीवी स्पिनर डेनियल विटोरी ने भी एक वेबसाइट से बातचीत करते हुए कहा, उसकी रफ्तार बल्लेबाजों में घबराहट पैदा करती है और ऐसा सिर्फ पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ नहीं बल्कि सभी बल्लेबाजों के साथ होता है। हमें अक्सर 153-154 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नहीं दिखते, ये गजब की रफ्तार है, ये विरले ही देखने को मिलती है जो हमने ब्रेटली, शोएब अख्तर या शॉन टेंट के बाद शायद नहीं देखी है। बीसीसीआई को इस दुर्लभ प्रतिभा को बचाने के लिए मलिक के कार्यभार का प्रबंधन करना चाहिए। वो एक हीरा है और बस बात इतनी है कि किस तरह भारतीय क्रिकेट में अगले 2 वर्षों में उसकी प्रतिभा की देखभाल की जाती है और उससे कैसे उसका सर्वश्रेष्ठ निकाला जा सकता है। उमरान की आईपीएल करियर में इस उम्दा प्रदर्शन के बाद वसीम जाफर ने भी ट्वीट किया, आईपीएल में उमरान मलिक के बढ़ने की कहानी अभी जारी है। अभी तक वो तब गेंदबाजी करने आते थे जब विपक्षी टीम दबाव में होती थी, मगर इस बार वो गुजरात के सामने तब गेंदबाजी करने आए जब टीम ने एक भी विकेट नहीं खोया था और इस खिलाड़ी ने उनके टॉप के 3 विकेट गिराए। इन प्रतिक्रियाओं के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि उमरान की बॉलिंग और उनकी रफ्तार ऐसी ही कायम रही तो वो आने वाले समय में उमरान विश्व पटल पर छाएंगे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।